हमारा जो है ये चिकन वेजिटेबल सूप तैयार हो गया है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि कैसा बना है हमारा चिकन वेजिटेबल सूप। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज बना रही हूँ मैं चिकन वेजिटेबल सूप। तो उसके लिए देखें, मैंने पानी पकने के लिए रख दिया था और तकरीबन पानी में हल्के हल्के बबल बनना शुरू हो गए हैं। तो अब मैं इसमें डालूंगी चिकन, और ये चिकन जो है हमारी तकरीबन आधा किलो है। इसको मैं इस तरह से डाल के मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। ये इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है। अब इसमें जो जो चीज़ें डालूंगी वो मैं आपको दिखाती जाती हूँ। चिकन डालने के बाद अब इसमें डालूंगी मैं आधा चम्मच काली मिर्ची, और इसमें नमक डालूंगी मैं ये तकरीबन ये एक चम्मच। अभी मैंने इसमें आधा चम्मच काली मिर्ची और एक चम्मच नमक डाला है। बाकी जब ये चिकन गल जाएगा तो उसके बाद देखेंगे कम ज़्यादा क्या है, फिर मैं उसी वक्त बताऊंगी कि मैं और डाल रही हूँ या नहीं। तो चिकन जो है हमारा गल चुका है। अब मैं चिकन का जो है चूल्हा हल्का करके चिकन को मैं बाहर निकाल लूँगी। चिकन जो है हमारा गल चुका है। तो चिकन जो है मैंने निकाल ली है, और अब जो है इसमें मैं ये सब्जियां डालूंगी। गाजर है तकरीबन आधा कप से थोड़ा, यानी कि चार चम्मच के करीब गाजर है, दो चम्मच मटर है, और तीन चम्मच जो है शिमला मिर्च है। तो इन सब्जियों को जो है मैंने अच्छे से धो लिया है, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ। जब तक मैं चिकन का रेशा करती हूँ, ये हमारी सब्जियाँ थोड़ी गल जाएंगी। सब्जी जो है इसमें गल चुकी है, और अब जो मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डालूँगी, तो कॉर्नफ्लोर मैं ले रही हूँ तकरीबन चार चम्मच लूँगी। चार चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर धो लिया है। अब इसको मैं सूप को गाढ़ा करने के लिए डाल रही हूँ। अब इसमें जो है एक अंडा फेंट के सूप में डाल लूँ, इसको अच्छे से फेंट के। आपकी मर्जी है, एक अंडा डालें, दो डालें, वो आपकी अपनी मर्जी है। मैं एक अंडा डाल दूँगी। सब्जियां जो हमारी तकरीबन गल चुकी हैं, और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद जो है सूप काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। तो अब इसमें मैं ये अंडा डालूँ। थोड़ा थोड़ा करके डालना है कि सारा एकदम इकट्ठा ना हो जाए। ये देखिए सूप की शक्ल। अब इसको थोड़ा सा ऐसे चलाते रहना है ताकि जो अंडे का कच्चापन है वो अच्छे से पक जाए। ये देखिए इसमें एक अंडा काफी है। अब आपकी मर्जी, अपने सूप में आपने जितना डालना है। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे। ये एक चम्मच इसमें मैं सोया सॉस डाल रही हूँ, और इसी तरह इसमें मैं एक चम्मच सिरका डालूंगी। तकरीबन एक चम्मच डालना है। बाकी जो है जब आप खाएं तो उस वक्त आपने आके डाल लें। और अब इसमें मैं डालूंगी चिकन
जो मैंने रेशा रेशा कर दिए थे। चिकन मैं इसमें डाल रही हूँ, आपकी मर्जी, इसके छोटे पीस बनाएं, बड़े बनाएं, ये आपकी अपनी मर्जी है। हमारा सूप जो है तकरीबन तैयार हो गया है। अभी इसको मैं थोड़ी देर पकने के लिए इसी तरह छोड़ दूंगी 5 से 6 मिनट के लिए, कि हर चीज़ का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो सूप देखें हमारा तकरीबन तैयार हो गया है। अब आखिर में मुझे इसमें एक चीज़ डालनी है, वो है चिकन क्यूब्स। तो इसमें मैं जो है ये इतना बड़ा बस चिकन क्यूब्स का एक ये छोटा सा पीस डालूंगी, और इसको मैं पकने के लिए थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। वैसे तो ये पक चुका है तकरीबन। शिमला मिर्च की खुशबू आ रही है चिकन की। तो सूप जो है हमारा हो गया है तैयार। अब इसको मैं जो है बाउल में डिश आउट करूंगी। तो सूप हमारा तैयार हो गया। अब इसमें मैं थोड़ा सिरका डालूंगी और थोड़ा सा ये सोया सॉस और थोड़ी ये काली मिर्ची और थोड़ा सा चिली सॉस। तो हमारा जो है ये चिकन वेजिटेबल सूप तैयार हो गया है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि कैसा बना है हमारा चिकन वेजिटेबल सूप।